बांदा का वायरलेस दिया मोहम्मदाबाद थाने पर कि इनकी हालत अच्छी नहीं है, बांदा मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कराया गया है। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार अंसारी का इलाज मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा है। हालांकि मुख्तार की तबीयत को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। दो दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और दो डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था। रात में 1 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रिकमेंड की थी, जिसके बाद मुख्तार को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर जैसे मुख्तार के परिवार वालों को ये खबर मिली, फौरन उनका बांदा पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। जेल अधीक्षक बांदा का वायरलेस दिया मोहम्मदाबाद थाने पर कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, बांदा मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया है और उनके परिजन को सूचना दीजिए, तो वहाँ थाने पर से हम लोगों को ये सूचना मिली वायरलेस द्वारा। क्या शुभ नाम बताया था आपने? मंसूर अंसारी। आप क्या हैं इनके? मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ और सांसद अफजल अंसारी भी पीछे आ रहे हैं, पहले उनको देखने दीजिए उनकी हालत क्या है। इनके अलावा गाजीपुर से हमारे संवाददाता विनय कुमार सिंह से बात करते हुए मुख्तार अंसारी के भाई और सांसद अफजल अंसारी ने फोन पर बताया कि वो प्रयागराज से आगे बांदा की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वायरलेस मैसेज मुझे भोर में मिला है, अब मैं वहां पहुंचकर ही कुछ स्पष्ट बता पाऊंगा। हालांकि मेडिकल कॉलेज से मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ गुप्ता बताते हैं। हम इस वक्त बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, जहां सुबह भोर में मुख्तार अंसारी को यहां एडमिट कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि उसके पेट में और उसको यूरिन करने में कोई समस्या थी, जिस कारण जेल प्रशासन ने यहां उसको बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि यहां उसको डॉक्टरों की टीम के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि उसकी हालत अभी स्थिर है, डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया है, उसको ज़रूरी दवाइयाँ दी गई हैं, बोतल ड्रिप वगैरह उसको दी गई हैं, जिसके बाद उसको अभी भी आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। रही बात सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, यहाँ पर कई दरोगाओं और कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं बता दूँ ये वही मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है, उसका इलाज किया जा रहा है। ये ऊपर आईसीयू वार्ड है जहाँ पर उसका मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। इसके बाद अभी ये जानकारी मिली है कि उसकी हालत में सुधार है, सुधार होने के बाद अब डॉक्टर जैसा भी उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे या जो भी सलाह देंगे उसी के अनुसार उसको आगे की जो जरूरी दवाएं हैं या मेडिकल चेकअप के लिए जो भी डॉक्टर सलाह देंगे उसी के अनुसार उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।